कैसे हो आप सब तो डियर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी पर मॉक टेस्ट थर्ड लेकर आया हूं मॉक टेस्ट वन और मॉक टेस्ट टू चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है जिस जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो वो उन वीडियोस को चैनल की प्ले में चेक कर सकते हैं आज का जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है वो मैंने खुद अपने हैंड मेड नोट से प्रिपेयर किए हैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है अगर आप इस मॉक टेस्ट में ट्वेंटी प्लस स्कोर करोगे दैट मीन्स यू आर गुड इन अकाउंटिंग तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना इस वीडियो पर मैंने ऑलरेडी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट फाइव सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ़ जियोग्राफी अकाउंटेंसी के तीन मॉक टेस्ट और बाकी मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड किए हैं आप चैनल पर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं तो फ्रेंड्स चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विच एमंग दॉलोइंगज़ नॉट इन्वाल्व इन बुक कीपिंग यहाँ से आपको बताना है कि बुक कीपिंग में क्या इन्वाल्व नहीं होता है टु कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसिस टू कीप रिकार्ड्स ऑफ़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू मैंटेन सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनज इट इज़ दे सेकेंडरी फंक्शन इन अकाउंटिंग साइकिल तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी जो ये बुक कीपिंग है ये सेकेंडरी फंक्शन नहीं है ये क्या फंक्शन होती है ये प्राइमरी फंक्शन

इट इंक्लूड समाराइजेशन एनालिस एंड कम्युनिकेशन इट इज डन बाई जूनियर स्टाफ ऑल ऑफ द एबो ऑनली एंड बी तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका आंसर रहेगा ऑनली ए एंड बी जो ये अकाउंटिंग होती है ये कौन करता है ये सीनियर स्टाफ करता है न कि जूनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ क्या करता है वो बुक कीपिंग करता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच एमंगे फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सटर्नल यूजर इन बिजनेस अकाउंटिंग आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा एक्सटर्नल यूजर आप बिजनेस इन अकाउंटिंग नहीं है क्रेडिटर्स टैक्सेशन अथॉरिटीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लैंडर्स तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये इंटरनल यूजर बिजनेस इन अकाउंटिंग होते हैं क्रेडिटर्स टैक्सेशन अथॉरिटीज लैंडर्स ये क्या होते हैं ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी आर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग फर्नीचर और मशीनरी ये आपको बतानी है कि ये किसकी एग्जाम्पल है करंट एसेट्स, फिक्सड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स ऑल ऑफ दीज ऑनली बी एंड सी तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑनली बी एंड सी जो बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी ये फिक्सड एसेट्स भी होते हैं फिक्सड एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है नॉन करंट एसेट्स। एसेट एसेट्स इनका बेनिफिट क्या होता है ये एक साल से ज्यादा होता है और जो करंट एसेट्स होते हैं इनका बेनिफिट एक साल तक ही होता है क्वेश्चन नंबर फाइव द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज यूज फॉर एक्करिंग फिक्सड एसेट्स इज कॉल्ड वो अमाउंट कैपिटल की जो हम किस लिए लाते हैं फॉर एक्रिंग फिक्सड एसेट्स उसको हम क्या बोलते हैं फिक्सड एसेट्स वर्किंग कैपिटल फिक्सड कैपिटल टोटल एसेट्स तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका आंसर रहेगा पार्ट नंबर सी फिक्सड कैपिटल फिक्सड कैपिटल हम किस लिए लाते हैं बिजनेस uh, में फॉर एकेरिंग द फिक्स एसेट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश डैश रेफर्स टू द अमाउंट सेपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू सेल्स एक्सपेंसेस स्टॉक इनकम तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका आंसर रहेगा एक्सपेंसेस पार्ट नंबर बी एक्सपेंसेस रेफर्स टू द अमाउंट सपेंड ऑन कास्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू क्वेश्चन नंबर सेवन विच डिस्काउंट एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा डिस्काउंट हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट लिक्विडिटी डिस्काउंट ऑल ऑफ द एबो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम सिर्फ कैश अकाउंट कैश डिस्काउंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट हम कब देते हैं ताकि जो वो खरीदार होगा वो हमसे ज्यादा चीजें खरीदे कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं वो हम कुछ डिस्काउंट देते हैं जिससे जो जिसने हमसे कुछ उधार पे ख़रीदा है वो वक्त पर वो पे कर सके क्वेश्चन नंबर एट द एंटिटीज़ हु ओ एनी अमाउंट टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स आर नोन एज वो एंटिटीज़ जो बिजनेस को कुछ पैसे देता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स उसको हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स ओनर्स डेबिटर्स क्रेडिट सेल्स तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट का आंसर रहेगा पार्ट नंबर सी डेबिटर्स क्वेश्चन नंबर नाइन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट प्रॉस्पेक्टिव प्रॉफिट शुड नॉट भी रिकॉर्डेड बट प्रॉस्पेक्टिव लॉसिस शुड भी इमिजिएटली रिकॉर्डेड कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हम पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे प्रॉस्पेक्टिव लॉसिस मेटर्लिटी कंसेप्ट फुल डिस्लोजर कंसेप्ट कंजरवेटिज्म कंसेप्ट एकूवल कंसेप्ट तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर सी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इसको हम क्या बोलते हैं प्रोडियरेंस प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर टेन विच फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ से इनकोरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल ऑफ अकाउंटिंग इट इज अ टूल विद विच इक्वेलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी भीड कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबलिटीज तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबल्टीज या हम ये भी, भी कह सकते हैं कैपिटल किसके बराबर आएगा यह आएगा एसेट माइनस लाइबल्टीज बट यहां से दिया गया है कैपिटल इज इक्वल टू एसेटस प्लस लाइबलिटीज तो ये इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर अलेवन इफ गुड्स आर परचेज ऑन कैश इट इज एफेक्ट विल बी ऑन अगर हम गुड्स को किस से परचेज करेंगे कैश से इसका एफेक्ट किस पर होगा कैपिटल ऑनली लेबलिटी ऑनली एसेट ऑनली एसेट एंड लेबलिटीज़ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अलेवन का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी जब हम गुड्स किस पे परचेज करेंगे कैश पे तो सिर्फ हमारे एक तरफ से हमारा एक एसेट जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से हमारे पास दूसरा एसेट आएगा तो सिर्फ एसेट्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पर नहीं और लैबल्टीज़ पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्रीपेड रेंट इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स जो प्रीपेड रेंट होता है वो किस अकाउंट के अंडर आता है आर्टिफिशल पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रीपेड रेंट क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्सपेंसिज अंडर मॉडर्न अप्रोच एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपको एक्सपेंसिस का यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज़ डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज डेबिट वट कमज इन क्रेडिट वट गोज़ आउट तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर सी

क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर रहेगा ऑनली ए एंड बी जर्नल को हम डे बुक भी बोलते हैं जर्नल को हम बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री बोलते हैं लेकिन जो जर्नल है ये लैटिन वर्ड से नहीं आया है ये किस वर्ड से आया है फ्रेंच वर्ड से क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मिस्टर अनिल सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड वट विल बी इट्स अफेक्ट ये जनरल एंट्री यहां से हैं अनिल ने गुड्स सोल्ड किए थे कितने थाउजेंड के फाइव थाउजेंड के आपको इसका अफेक्ट बताना होगा गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड कैश अकाउंट क्रेडिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड अनिल अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड नन ऑफ द एबो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी जब एनिल गुड सोल्ड करेगा कैश पा फाइव थाउजेंड रुपीज़ के तो क्या होगा वहां पे कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा क्योंकि उसके पास कैश आएगा सेल्स अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच अमंग फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू लेजर लेजर के लिए आपको यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है इन लेजर ऑल अकाउंट्स आर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इन लेजर परमानेंट अकाउंट्स इंक्लूड रियल एंड पर्सनल अकाउंट ऑल ऑफ द एबो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी ऑल ऑफ द एबो लेजर में हम हर तरह के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बी इट पर्सनल रियल और नॉमिनल ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री और इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इन लेजर जो होती है उसमें परमानेंट अकाउंट्स में क्या आता है रियल एंड पर्सनल अकाउंट जो परमानेंट अकाउंट्स नहीं होते हैं उनमें क्या आता है उनमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रिटर्न आउटवर्ड एंड परचेज रिटर्न हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस इन लेजर जो रिटर्न आउटवर्ड होता है और परचेज रिटर्न लेजर में इनकी क्या बैलेंस होगी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस नील बैलेंस तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी जो रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न होता है उसकी क्या बैलेंस होती है क्रेडिट लेजर में क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन नंबर एटीन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग आपको यहाँ से इनकोरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल अकाउंट्स इट इज़ ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट इट इज़ द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इट हेल्पज़ इन प्रपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंटस तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर रहेगा पार्ट नंबर सी जो ट्रायल बैलेंस है ये डबल इंट्री सिस्टम में नहीं आता है बाकी ऑप्शनज यहाँ पे करेक्ट है इसके रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस इज़ यूज टू चेक द एथमेटिकल एकोरेसी ऑफ अकाउंट्स ये एक स्टेटमेंट होता है बल्कि एक अकाउंट नहीं होता है इट हेल्पज़ इन प्रपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंटस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंटस प्रपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच अमंग फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैश बुक कैश बुक के रिगार्डिंग आपको यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है इट रिकॉर्ड ऑनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैन हैव डेबिट और नील बैलेंस इट इज़ नोन एज सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर डी ऑल ऑफ द एबो कैश बुक में हम सिर्फ़ कैश और बैंक ट्रांजेक्शनज रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शनज हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक होता है उसका डिबिट बैलेंस होता है या नील बैलेंस उसकी क्रेडिट बैलेंस नहीं होती है जो कैश बुक होता है इसको हम सब्सिडरी एज़ वेल एज़ प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बुक ऑफ ऑर्जिनल एंट्री इन विच ऑनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इज नोन एज बुक ऑफ ऑरजिनल एंट्री जिसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक सेल्स बुक सेल्स रिटर्न बुक परचेज बुक तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी परचेज बुक परचेज बुक इज़ द बुक ऑफ ऑरजिनल एंट्री इन विच ऑनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द डॉकोमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड वो डॉक्यूमेंट जो है मैं क्या देता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं जर्नल लेजर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकोरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ से इनकोरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन डायरेक्ट एक्सपेंसिज आर रिकॉर्डेड इट इज आल्सो नोन एज पोजिशनल स्टेटमेंट इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इज़ कैलकुलेटेड तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम पोजिशनल स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं ये नॉमिनल अकाउंट होता है ये हम किस लिए बनाते हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है रिपेयरमेंट ऑफ मशीनरी अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनिंग इन द चैम्बर ऑफ शॉप ऑल ऑफ द एबो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर रहेगा रिपेयरमेंट ऑफ मशीनरी जो रिपेयरमेंट ऑफ मशीनरी है ये क्या एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंस्टॉलिंग एयर कंडीशन इन द चेंबर ऑफ शॉप ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच अमंग फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम शोज द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लैबलिटीज डबल एंट्री सिस्टम में कौन हमें क्या बताता है पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लैबलिटीज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इनकम स्टेटमेंट पोजिशनल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर रहेगा पोजिशनल स्टेटमेंट या इसको हम पोजिशनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम ये सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट ये किसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वैन इंटरेस्ट इज अलाउड बाई द बैंक वट विल बी इट्स इफेक्ट जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कैश बुक बैलेंस विल बी हायर देन पासबुक बैलेंस पासबुक बैलेंस विल बी हायर देन कैशबुक बैलेंस बोथ बैलेंस विल बी इक्वल नन ऑफ द एबो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा पार्ट नंबर बी जो पासबुक बैलेंस होगी वो कैशबुक बैलेंस से क्या होगी ज्यादा होगी क्वेश्चन नंबर 26 व्हेन पार्टनरशिप डी इज साइलेंट हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल जब पार्टनरशिप डी साइलेंट होती है जो पार्टनर्स पार्टनर्स का कैपिटल होता है उस पर कितना इंटरेस्ट हम देते हैं सिक्स परसेंट पर मंथ सिक्स परसेंट पर एन एम एट परसेंट पर एन एम नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर रहेगा पार्ट नंबर डी जब पार्टनरशिप डी साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता है नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड सिक्स परसेंट किस में आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है सिक्स परसेंट पर एनम एम ये कहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो नहीं होता है नो इंटरेस्ट इज अलाउड जब क्या होता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जॉन इज ए पार्टनर इन ए फर्म ही विदड्रॉज रुपीज थाउजेंड पर मंथ रेगुलरली इंटरेस्ट चार्जेड इज फाइव परसेंट पर एन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग एवरेज पीरियड इफ़ ही विड्रॉज मनी एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ जॉन पार्टनरशिप में एक पार्टनर है वो हर मंथ क्या विड्रॉ करता है वन थाउजेंड रुपीज़ जो इस पर इंटरेस्ट चढ़ता है वो फाइव परसेंट पर एनम होता है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है अगर वो हर मंथ के बिगनिंग में क्या करता है मनी विड्रॉ करता है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी सेवन है इसका आंसर है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव। आप यहां से ये देख सकते हो, देखो, टोटल ड्राइंग साल की हमें निकालनी है एक मंथ में वो वो वन थाउजेंड निकालता है तो ट्वेल्व मंथ में कितना आएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है इंटरेस्ट क्या है फाइव परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है इंटू इंटरेस्ट क्या है फाइव फाइव परसेंट को फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू जब हम इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे वो आता है सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व 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 यहाँ से क्या होगा कैंसल वन जीरो जीरो ज़ीरो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द बिगेस्ट स्ट्रेंगत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इट इज़ इंटीग्रेशन विद दर स्कीम्स इन कंट्री कोर इंश्योरेंस सेक्टर इन द कंट्री कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री कोर डिफेंस सिस्टम इन द कंट्री तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कास्ट अकाउंटिंग इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लानिंग कंट्रोलिंग तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है इसका आंसर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी इनकम टैक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया इनकम टैक्स इज़ जो इनकम टैक्स है ये इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमको बताना है कि इनकम टैक्स क्या है डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी इनकम टैक्स क्या होता है ये होता है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मॉक टेस्ट थर्ड ऑन अकाउंटेंसी दो मॉक टेस्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप वो भी देख लेना और लास्ट पे इस वीडियो में अपना स्कोर कमेंट कर लेना कि आपको कितना स्कोर बन गया तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़